नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी। दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नई जानकारी के साथ, और आज की जो जानकारी है लघु उद्योग पर आधारित है और खास करके आज की जानकारी पेपर प्लेट मेकिंग मशीन पर आधारित है। एक बात मैं दोस्त बोलना चाहूँगा कि बिजनेस खराब नहीं होता है, करने का तरीका खराब होता है। आज भी बिहार में बहुत सारे उद्योग धंधे नहीं हैं। इसका एक कारण ये भी है कि बहुत सारे लोग करने से भी डरते हैं और बहुत सारे उसके कारण भी है। तो इसी विषय पर आज की वीडियो होगी, तो बने रहिएगा। इस वीडियो के अंत तक बहुत खास जानकारी होने जा रही है और इस जानकारी को देंगे ग्रो इंडिया के ऑनर अजीत पाठक जी, जो बिहार के ऐतिहासिक जिला बक्सर के रहने वाले हैं। तो स्वागत है अजीत जी हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपका। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं बधाई आपको देना चाहूँगा और आपके पूरे टीम को सर, जो आपने ग्रो इंडिया के लिए इतना समय, अपना बहुमूल्य समय दिया। समय तो सर आपसे लेंगे ना, बहुत सारी बातें हैं। आप तो इतने कम उम्र में इतना राइज किए हैं, तो यही गुण हमारे दर्शकों को भी, हमारे आज के युवाओं को भी बताइए, हमारे जो बिहारी बंधु हैं उनको भी बताइए कि ताकि आपसे आपका वो अनुसरण कर सकें, और जो डर उनके अंदर उद्योग लगाने में, लघु उद्योग लगाने में उनको आता है, वो डर उनकी दूर हो जाए। यस सर, जरूर। तो अजीत सर, बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर चर्चा करने की ज़रूरत है, ताकि उन लोग भी जो आज के युवा अगर इसको करना चाहे तो आसानी से इसको कर पाए और सफलतापूर्वक कर पाए। क्योंकि सर जो भी बिजनेस करता है दो पैसा कमाने के लिए करता है, गंवाने के लिए नहीं करता। पेपर प्लेट मेकिंग मशीन को बैठाने के लिए कितनी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है ये बताइए। देखिए, अगर पेपर प्लेट मेकिंग मशीन का स्टार्टअप देना चाहते हैं तो एक्चुअली इसमें मतलब इतना ज़्यादा ये मतलब एक स्पेस का नीड नहीं होता है। आप 10x10 से मशीन में प्रोडक्शन आराम से कर सकते हैं, लेकिन उसको अगर आपका बहुत ज़्यादा स्पेस है, जैसे रॉ मटेरियल हो गए, फिर जो बने हुए प्रोडक्शंस हो गए उनको रखने के लिए एक और आप छोटा सा कहीं स्पेस ले सकते हैं। और मशीन का अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो 10x10 के रूम में आप स्टार्टअप दे सकते हैं। अब है सर की बात है कि वो तो मशीन है, चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, तो कितनी जरूरत पड़ती है सर ये बता दीजिए। देखिए सर, अगर देखा जाए इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट का, तो अगर हम सिंगल डाई पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, पेपर प्लेट मशीन में भी बहुत तरह की मशीनें आती हैं। जैसे सिंगल डाई पेपर प्लेट मशीन क्रैंक बेस पे होता है, दूसरा होता है आपको हाइड्रोलिक बेस पे सिंगल डाई, उसके बाद होता है डबल डाई क्रैंक बेस पे। ठीक है सर, तो सिंगल डाई मशीन में इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आपके घर में देखे हुए जो नॉर्मल सबमर्सिबल होता है उस पर भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। वन हॉर्स, यस यस सर, 1 HP का मोटर होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस, अगर आप किसी भी उद्योग को स्टार्टअप देना चाहेंगे, तो मैं गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग खिलाफ नहीं जाना चाहूँगा, एक प्रॉपर मैं आप लोगों को रिव्यू देना चाहूँगा कि अगर आप अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस आप बिजनेस को करना चाहते हैं, तो प्रॉपर आपको एक इसका एक पावर कंज्यूमशन लेना होगा, पावर सप्लाई लेना होगा, जिसका मतलब 2 से 3 kW का आपका कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, और उसे आप ऑपरेट कर सकते हैं आराम से। मशीन का स्पेस आपने बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी बता दिया, प्रोडक्शन कैसे होता है और कितना होता है ये बता दीजिए। यस सर, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। अगर हम किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप देते हैं तो पहला हमारा श्रेय जो जाता है वो प्रोडक्शन पे जाता है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें सर, तो एक सिंगल डाई क्रैंक बेस मशीन से हम आराम से 1 मिनट में 20 to 25 पीस बना सकते हैं। ठीक है सर, और उस 24 अकॉर्डिंग फिर कैलकुलेटर 60 मिनट, फिर कैलकुलेटर टू आप जितना घंटा करना चाहें एक घंटा में, उसे कैलकुलेशन करके 24 से 25 हज़ार पीस पर डे का रेशियो हम लोग लेके चलते हैं सिंगल डाई मशीन से। तो सर इसमें एक बात मैं आपको एक और पूछना चाहूँगा इसमें, कि इसमें भी GSM होता है, मोटाई पर निर्भर होती है। यस सर, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जानते क्या होता है कि आज के डेट में अगर कोई भी युवा एक बिजनेस स्टार्टअप करना पड़ता है चाहता है, तो मेन थिंग होता है कि उसके बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को एकत्रित किया जाए। अगर मैं नॉलेज की बात करूं सर, तो रॉ मटेरियल में बहुत तरह के पेपर आते हैं। पहला आता है, उसमें दो मापक तंत्रों को देखा जाता है। पहला होता है जो पेपर की थिकनेस होती है, मैं आपको उसका सैंपल दिखाना चाहूँगा, जस्ट ए मोमेंट। जैसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा सर, ये हमारे पास एक सिल्वर लेमिनेटेड पेपर है। अब सिल्वर लेमिनेटेड पेपर में पहला चीज़ होता है कि ये जो अंदर हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं, इसे हम लोग क्राफ्ट पेपर बोलते हैं। अब ये वाला जो है, इसे एक मेटलाइज BOPP फिल्म बोलते हैं। अब इसे लेमिनेशन मशीन द्वारा, इसे गम के द्वारा चिपकाया जाता है, गम की सहायता से। अब हम इंटरनल थिंकिंग को सोचेंगे, जैसे कि ये टोटल पेपर 120 GSM का है। अब इसके अंदर भी जो इसका स्ट्रेंथ है, जैसे आप लोग ये देख रहे हैं ये क्राफ्ट पेपर है, अब इस क्राफ्ट पेपर के अंदर भी स्ट्रेंथ होता है। जैसे 18 BF का पेपर हो गया, 20 BF का पेपर हो गया, मार्केट में सबसे ज़्यादा आपका 18 BF और 20 BF चलता है। ठीक है, अब उसके बाद जो ये सिल्वर मेटलाइज हुआ है, ये एक BOPP फिल्म है जो ट्रांसपेरेंट आता है, और सिल्वर इसको मेटलाइज किया जाता है। तो ये 8 माइक्रोन का ये BOPP फिल्म होता है, और 8 माइक्रोन से इसे गम द्वारा चिपका के इसे हम लोग लेमिनेशन मशीन द्वारा इस मटेरियल को रेडी करते हैं। तो ये नॉलेज भी हर व्यक्ति के पास होना चाहिए कि हम कैसा मटेरियल बना रहे हैं,
अब होता क्या है कि हम प्रोडक्शन करने के बाद, रॉ मटेरियल यूज करने के बाद जब हम किसी सेलर के पास जाते हैं तो बोलता है कि मुझे इतना में मिल रहा है, तो इसका भी एक थेसिस होता है जो आगे हम मार्केटिंग में डिस्कस करेंगे। अब सबसे अहम सवाल है सर कि इसमें पूंजी कितनी लगेगी? यस सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, हमने क्या किया है कि ग्रो इंडिया, मैंने कंपनी का नाम इसीलिए रखा है कि हमारे देश को कैसे ग्रो किया जाए, हमारे लोकल एरियाज़ हैं उनको कैसे ग्रो पे फोकस किया जाए। अब ग्रो का मेन पहला जो स्त्रोत्र होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सर हम उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट, जिनके पास बजट कम रहता है। तो हमारी कंपनी क्या करती है सर, 35,000 से सिंगल डाई मशीन हम लोग बनाते हैं और मैक्सिमम सर 120 लाख तक का हमारे पास मशीन अवेलेबल है। 35 लाख उसके अकॉर्डिंग, इसमें भी ये भी देखा जाता है इन्वेस्टमेंट में कि जिस तरह का मशीन नीड होता है, अब हम 35 में मशीन बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखा जाता है। मैं प्रैक्टिकली तौर पे आपको बताना चाहूँगा किसी मशीनरी को लेके, जैसे जैसे हम लोग आगे उस चीज़ को दिखाएंगे मशीन में जी। तो फिर क्या है, तब होता है उसमें देखा जाता है कि जैसे उसमें जो पार्ट्स लगे होते हैं, अब हम 35,000 में जाहिर सी बात है सर कि हमें जो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो सारा कैलकुलेशन अकॉर्डिंग करके हम मेंटेन करते हैं। तो 45,000 में ज़्यादा क्लाइंट को रेकमेंड इसलिए करता हूँ कि उस मशीनों में जो हम पार्ट्स यूज करते हैं वो काफ़ी मतलब ब्रांडेड होता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है मोटर, तो हम लोग क्रम्पटन ग्रेव्स वो भी कॉपर बैंडिंग के साथ बनाते हैं। और दूसरा हीटर? और दूसरा सर हीटर, तो हीटर जो हम देते हैं सर स्टोन वाला होता है और एल्युमिनियम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उस टिकाऊदार होता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर मशीन में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, आप ग्रो इंडिया के सपोर्ट का नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल करेंगे, टेक्नीशियन राइज होंगे और आपको मतलब टेक्नीशियन कब तक जाएंगे ये सब बता दिया जाएगा और सर्विस भी दिया जाएगा। अब मैं 45,000 वाले मशीन की जो बात कर रहा था सर, उसमें हम लोग 55 x 50 का हम लोग एंगल लगाते हैं, 4 इंची का हम लोग चैनल देते हैं, मतलब मशीन काफ़ी स्ट्रेंथ होता है, हैवी होता है, जिसमें आप 4 इंची से 14 इंची का डाई आराम से चला सकते हैं। यानी कि जो भी मशीन आपके पास है, जो मैन्युफैक्चरिंग आप करते हैं, बिल्कुल लॉन्ग लाइफ के लिए करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँ कि इस मशीन ले जाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक बार चला दीजिए दिन रात चलता रहेगा, तो ये गलत चीज़ है। मशीन लेने के बाद सर आप जब तक ऑपरेट नहीं कर पाते हैं तब तक छोटी मोटी परेशानियों का सामना आपको झेलना पड़ता है। मशीन किसी भी मशीन के लिए अगर आप उसे लेते हैं तो ऑपरेटिंग मस्ट भी नीड है ट्रेनिंग सर, तो वो ट्रेनिंग हमारी कंपनी देती है और जब आप ट्रेंड हो जाते हैं तो सर आपको कोई परेशानी नहीं होती। मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि आप लोग ग्रो इंडिया से ही मशीन लीजिए, लेकिन मैं मशीन खरीदने के पहले जो बहुत सारी ऐसी सावधानियाँ हैं जो आप सभी को देखना है वो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा थ्रू ऑफ सर के चैनल, ठीक है। तो पहला चीज़ ये देखना होता है कि ये डजंट मैटर करता है कि आप मशीन मैन्युफैक्चरर से ही लीजिए, लेकिन जहाँ से भी ले रहे हैं तो पहले वो देखिए उसके पास जाके कि जहाँ से हम मशीन ले रहे हैं उस सेलर के पास क्या स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है कि नहीं है, दूसरा चीज़ उसके पास अपना इंजीनियर है कि नहीं है, और उसके बाद उसके गोदाम में जाने के बाद वो सारे स्पेयर पार्ट्स को शो करता है कि हाँ हम। अब स्पेयर पार्ट्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी भी बहुत सारा ऐसा कारण होता है मशीन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, अब उसका स्पेयर पार्ट्स उसके पास अवेलेबल नहीं होता है तो फिर स्पेयर पार्ट्स के लिए वो किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ता है, किसी बाहर से लेने के चक्कर में पड़ता है। और ज़्यादा अगर प्रेफरेंस की बात कहूँ तो अगर आप मैन्युफैक्चरर से लेते हैं तो मस्ट बी बेटर रहता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के पास ना टेक्नीशियन की प्रॉब्लम होती है और ना ही कोई स्पेयर पार्ट्स की प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सप्लायर भी हैं जो सप्लायर ये सारी चीज़ों को मुहैया कराते हैं। अब सर जो लड़के इस काम को करेंगे तो शुरुआत में तो बिल्कुल ही अननोन पर्सन होंगे, उनको कुछ भी जानकारी नहीं है, ये सिर्फ जानकारी का है पेपर प्लेट मेकिंग मशीन है, कैसे काम करता है, कैसे इसमें इसको ऑपरेट किया जाता है, कितनी वोल्टेज की ज़रूरत है, तो बहुत सारे टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत शुरुआत में पड़ती है, तो वो क्या आप दे पाएंगे सर? यस श्योर सर, ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है। टेक्निकल सपोर्ट किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए मस्ट बी मैंडेटरी होता है सर, क्योंकि एक बिजनेसमैन होता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है, वो बिजनेस स्ट्रेटजी को स्टार्टअप देता है, लेकिन उस स्टार्टअप के अकॉर्डिंग वो अनोन होता है कि मुझे इसमें सपोर्ट कैसे होगा, कैसे हैंडल करूँगा, अगर कोई प्रॉब्लम आता है उसे फिक्स आउट कैसे करूँगा। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जिस कंपनी से वो बाई करे वो टेक्निकल सपोर्ट किस तरह से दे पाता है, टेक्निकल सपोर्ट को कैसे अरेंज करता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हमारे ग्रो इंडिया ने एक अपने क्लाइंट्स के लिए कैसा किया हुआ कि हमने एक नंबर सपोर्ट नंबर राइज किया हुआ है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है आप कॉल कर सकते हैं। अब सर बात करेंगे प्रॉफिट की, कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो प्रॉफिट के उद्देश्य से ही करता है। यस सर, कोई भी एंटरप्रेन्योर हो
तो थोड़ा प्रॉफिट बता दीजिए कि इसमें परसेंटेज के हिसाब से कितनी प्रॉफिट हो सकती है या होती है। श्योर सर, श्योर। अगर हम बात प्रॉफिट की करते हैं तो कोई भी बिज़नेस इसीलिए किया जाता है कि उसमें मैं क्या कमा सकता हूँ, मेरा प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट क्या है। तो प्रॉफिट अगर मेरे हिसाब से देखा जाए और प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेशन किया जाए आप सबको मैं ये भी बताना चाहूँगा। प्रॉफिट में सबसे पहले आप ये देखिए कि आप किस रेट में आप आगे सामने बहुत मतलब किस सामने वाले को बेच रहे हैं। दूसरा चीज़ ये देखिए कि जिस रेट में आपका प्रोडक्शन कॉस्ट हो रहा है उस रेट से आप ज़्यादा में बेच रहे हैं कि कम में बेच रहे हैं। अगर आप ज़्यादा में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट है आपका। अब वो प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे मैं इसका आपको बताता हूँ तरीका। पहला चीज़ रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल आपने आपके वायर हाउस तक क्या रेट में रॉ मटेरियल आपके पास पहुँच के पड़ता है। दूसरा कैलकुलेशन होता है कि पावर कंजम्पशन आपका मंथली क्या होता है। दूसरा और तीसरा होता है कि हम जो मैन पावर रखे हैं मैन पावर का पर डे का कैसे कन्वेक्शन किया जाता है। अब जैसे आपने 6000 रुपये एक इंजीनियर के लड़के को हायर किया, 10000 रुपये किया, 8000 रुपये किया, कितने लड़के काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद बिजली का खपत क्या है, ये सारा जोड़ के कैलकुलेशन किया जाता है। और फिर रॉ मटेरियल के साथ जो पर डे का प्रोडक्शन है उस मंथली कैलकुलेशन को, जैसे कि आपके 10000 ने आपने 10000 लड़कों के लिए रखे जो मैन पावर काम करता है, 5000 की इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गई, टोटल आपके 15000 हो गए, और 15000 को आप एक दिन में डिवाइड करेंगे तो 500 रुपया आता है। अब उस 500 रुपया आपका 500 रुपया आपका प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया। उसके बाद आपका जैसे कि प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, प्रोडक्शन के बाद पावर कंजम्पशन ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, रॉ मटेरियल कॉस्ट और पर डे आप कितना बना ले रहे हैं, और वो जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है पर डे के प्रोडक्शन से हम लोग डिवाइड करते हैं और जो रेशियो निकलता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। अब सामने वालों की बेचने की कला होती है, ये चीज़ हम लोग आगे मार्केटिंग में बात करेंगे। तो ये होता है प्रॉफिट निकालने का कला, और इसमें प्रॉफिट आपका जो मिलता है ये कम से कम 10-20% का मार्जिन होता है सर। अब है सर कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है और सबसे मेन घटक होता है रॉ मटेरियल का। जी, बिना रॉ मटेरियल को ये मशीन चलेगी नहीं। राइट सर, राइट। अब बहुत सारे इसमें कैटेगरी भी होते हैं, अगला को ये सर्वे भी करना होता है कि हमारे मार्केट में कौन कौन से कैटेगरी का किस टाइप के पेपर प्लेट की डिमांड है, किस साइज़ के पेपर प्लेट की डिमांड है, उसका मटेरियल कैसा होना चाहिए, कैसा होता है और कहाँ से लेगा, थोड़ा सा इस पर मार्गदर्शन कर दीजिए हमारे दर्शकों को। श्योर सर, श्योर। रॉ मटेरियल मस्ट बी मैंडेटरी होता है, बिकॉज अगर हम किसी भी बिज़नेस को स्टार्टअप करते हैं रॉ मटेरियल की मतलब जो स्टॉक उसका कमी हो जाए तो फिर प्रोडक्शन में कमी आती है। तो रॉ मटेरियल के लिए सस्ता भी होना चाहिए सर। यस सर, यस। तो रॉ मटेरियल के लिए हमारी ग्रो इंडिया क्या करती है कि हमारे खुद के हम लोग सर पेपर प्लेट के साथ साथ लेमिनेशन मशीन भी बनाते हैं जिससे रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है पेपर प्लेट का। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 20-30 क्लाइंट खुद हैं ऑलमोस्ट, जो पूरे बिहार में और पूर्वांचल, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, लगभग सराउंडिंग सारे एरियाज़ में हमारे खुद के कस्टमर हैं जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो उनके तरफ से हम लोग क्या करते हैं कि 5%, 2% से 5% का ग्रो इंडिया के तरफ से हम लोग डिस्काउंट दिलवाते हैं जितने सारे हमारे क्लाइंट होते हैं, और उनके साथ हम टचअप कराते हैं उनको बेस्ट से बेस्ट रेट में रॉ मटेरियल मिल जाए। मिनिमम और मैक्सिमम एक रेट बता दीजिए सर। यस सर, श्योर। देखिए क्या था ना कि पहले हमें रॉ मटेरियल मिल जाता था 45 रुपीज़ पर केजी, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो BOPP का रेट बढ़ा है ये आने वाले जो पहले इसके पहले जो लगन था सीजन था उस सीजन में BOPP का भी रेट बढ़ गया, क्राफ्ट पेपर का भी रेट बढ़ गया। तो अभी का जो फिलहाल का रेट है सर 50 रुपये पर केजी है, लेकिन आने वाले समय में रेट और डाउन होने वाला है। तो हम लोग 45-50 का एक रेशियो लेके चलते हैं, इसी रेशियो में ये रॉ मटेरियल मिलता रहता है। ये थिकनेस के हिसाब से भी इसका तय होता है? डेफिनेटली सर, अगर हम थिकनेस की बात करें तो 80 GSM का थोड़ा सा और ज़्यादा महंगा हो जाता है, अगर हम 100 GSM लेते हैं तो थोड़ा सा और कम होता है, 120 GSM लेते हैं तो और कम होता है। जितना मोटा रॉ मटेरियल हम लोग बाई करते हैं वो उतना कम होता जाता है, और जितना पतला हम लोग लेते हैं और उतना वो महंगा होता जाता है। उसका मतलब रीज़न ये होता है कि उसमें हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है थिकनेस कम होता है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाता है, तो इसीलिए उसका प्रोडक्शन जो कैपेसिटी कम होने के कारण उसका रेट बढ़ा दिया जाता है। तो मार्केटिंग कैसे करेंगे इस पर हमारे दर्शकों को बता दीजिए। यस, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बिकॉज मार्केटिंग बिना हर एंटरप्रेन्योर फेल होता है, और आज का हर एक बिजनेस मार्केटिंग पे ही टिका हुआ है। तब हम लोग मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी में जो सबसे मेन अहम भूमिका निभाता है वो देखना होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रेट में कैसे बेच पाते हैं। पहला चीज़ ये होता है कि हम ये देखेंगे बड़े से बड़े होलसेलर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। होलसेलर क्या करते हैं कि बल्क मात्रा में हमसे परचेजिंग करते हैं। अब होता क्या है कि होलसेलर को हमें थोड़ा कम रेट में देना होता है, तो हम रेट को परवाह ना करते हुए हम कोशिश करेंगे कि उनके टच में बने रहें, और दूसरा कोशिश ये करेंगे कि
कि हम रिटेलर को भी टच करें, जो होलसेलर से वो दूसरा एक दुकानदार, एक रिटेलर होता है जो छोटे छोटे पैमाने पर सेल करता है, हम उसको भी कैच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब वहाँ पे करने के बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि हम अपने प्रोडक्शन की कैसे कैंपेन चलाएं, हम अपने प्रोडक्शन के बारे में कैसे अगल बगल के सारे लोगों को बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम प्रोडक्शन डायरेक्ट कस्टमर को बेचने की भी कोशिश करेंगे। इन द सेंस मैं ये नहीं कहता कि आप घर घर जाके बेचिए, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट। तो ये एक तरीका है और हमें ये सिनेरियो को मेंटेन करना है। अब है सर कि ये तो उद्योग है, सरकार की नज़र में भी आएगी ही आएगी, तो इसके लिए इसको करने के लिए क्या लाइसेंस की जरूरत पड़ती है? क्या GST का नीड होता है? एक MSME में जिला उद्योग ऑफिस मतलब MSME में उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आप गांव में करते हैं तो एक मुखिया से NOC ले लीजिए, बस और कुछ नीड नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के सामने साझा किया, और उम्मीद है आप लोग सर इनका इनके जो सुझाव है, जो 11 बिंदु है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु था, और उसको ध्यान से आप सुने होंगे। भले ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी थी दोस्त। तो दोस्त आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट पर करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही अगर इस बिजनेस को आप शुरू करना चाहते हैं तो सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, फ़ोन नंबर और साथ ही स्क्रीन पर भी सर का नंबर डाल दूँगा, एड्रेस भी डाल दूँगा। और एक और बात सर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये डिफेंस में रह चुके हैं, और ख़ास करके बिहार के युवाओं के लिए इन्होंने डिफेंस को छोड़ करके इस बिजनेस को, इस तरह के काम को कर रहे हैं कि ताकि हमारा बिहार आगे बढ़े, तरक्की करे, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें कमी थी यहाँ के उद्योग धंधों में, उद्योग करने में बहुत सारी कमियाँ थी, इन्होंने उसको देखा परखा और शुरू किया अपना खुद का ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और बहुत सारी चीज़ों पर ये डील करते हैं। तो आगे भी अपडेट इस तरह का जारी रहेगी सर के साथ। तो आज के वीडियो में आज की जानकारी यहीं तक, आगे अपडेट जारी रहेगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं आप लोगों के आपके दर्शकों को कुछ और कहना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, सॉरी फॉर दैट, मैं आपके क्लोजिंग के बाद मैंने आपको परेशान किया। हाँ नहीं बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके जितने सारे दर्शक हैं अगर इस चैनल के थ्रू मेरे पास आते हैं, बस उनको करना क्या होगा कि इस वीडियो को अपने फेसबुक पर शेयर करना होगा। शेयर करने के बाद वो शेयर कॉपी बस आप ग्रो इंडिया को दीजिए, ग्रो इंडिया आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट देगा सर। ये हमारे ग्रो इंडिया की तरफ से सर के चैनल के लिए सर। बहुत धन्यवाद सर आपका। वेलकम सर।